महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया, जिससे सियासत गरमाई हुई है। उन्होंने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की पेशकश की होती तो वो पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को अपने साथ ले आते। अजीत पवार ने वर्तमान मुख्यमंत्री की जीवनी योद्धा कर्मयोगी एकनाथ संभाजी शिंदे के विमोचन के अवसर पर मजाकिया लहजे में कहा कि राजनीति में वो मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोनों से वरिष्ठ हैं। इस कार्यक्रम में शिंदे और फडणवीस भी मौजूद थे। जुलाई 2023 में अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत कर दी थी और वो रकांपा को तोड़कर भाजपा शिवसेना सरकार में शामिल हो गए थे। अजीत पवार ने कहा कि सभी आगे निकल गए हैं और मैं पीछे रह गया, मैं पूरी पार्टी को साथ लेकर आता। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस पहली बार 1999 में और शिंदे 2004 में विधायक बने थे, जबकि वो पहली बार 1990 में विधानसभा के सदस्य बने थे। पवार ने भाजपा की ओर इशारा करते हुए और चुटकी लेते हुए कहा, मैंने कुछ लोगों से मजाक में कहा था कि जब आपने एकनाथ शिंदे से कहा था कि वो इतने विधायकों को साथ आए और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो आपको मुझसे पूछना चाहिए था, मैं पूरी पार्टी को साथ लेकर आता। पवार ने बनावटी गंभीरता के साथ कहा, जीवन में होता वही है जो भाग्य में लिखा होता है। पवार के इस टिप्पणी पर वहां मौजूद लोग हंस पड़े। इस अवसर पर फडणवीस ने कहा कि वो एक ही विधानसभा कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता और फिर उप मुख्यमंत्री बने और इसी तरह पवार भी एक ही अवधि के दौरान उप मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता और फिर उप मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री शिंदे के बाद पत्रकारों से बात करते हुए विश्वास जताया कि पिछले 2 सालों में विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के कारण उनकी सरकार विधानसभा चुनावों के बाद सत्ता बरकरार रखेगी। बता दें, महाराष्ट्र में साल के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल 13 सीटें जीती हैं और उसकी सहयोगी शिवसेना UBT और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने क्रमशः 9 और 8 सीटें जीती। कांग्रेस शिवसेना UBT और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महाविकास अघाड़ी इस बार सरकार गठन के प्रयास में है।